अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आई एंटरटेनमेंट। हम लोग अभी फातिमा गुड फार्म पर और यहाँ पर जीशान भाई और मैं चांद पे क्या देख रहे हैं जीशान भाई, अपन चंद्रयान 3 देख रहे हैं क्या? दिख रहा नहीं दिख रहा ना? चलो फ्रेंड्स, एक मजाक था। फातिमा गुड फार्म पे हम लोग और यहाँ पर इंशाल्लाह वीडियो बन रही है पलाई के रिलेटेड। माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप है, आप लोग देख सकते हो और हमेशा से देख रहे हैं माशाल्लाह। 1.5-2 महीने से हमारे चैनल के ऊपर आप लोग देख रहे हैं फातिमा गुड फार्म का जो है वो पूरे वीडियो, सेल के वीडियो और पलाई के रिलेटेड वीडियो। आज भी एक वीडियो आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं और ये वीडियो में क्या पलाई के रिलेटेड क्या हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे वो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगी, बहुत जानकारी वाली रहेंगी। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ में बने रहें इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह कंटिन्यू जो है वो वीडियो आएंगी जीशान भाई की फातिमा गुड फार्म पे। और पूरी वीडियो एंड तक के देखें और जो भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। भाई तुम्हारे फार्म पे से चांद पे कुछ दिखा नहीं। चलो मजाक। जीशान भाई आज क्या अपन प्रमोट कर रहे हैं? मोहसिन भाई अभी तो पलाई का प्रमोशन करेंगे इंशाल्लाह। ओके, को लेकर ओके। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आकर अपने को अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऑलमोस्ट 2 महीना हो रहा, राइट? और रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है और आपके चैनल का शुक्र अदा करता हूँ मैं, प्लस अपने वाई के गोट लवर अजीम भाई का भी शुक्र अदा करता हूँ। आपके दोनों के मदद से काफी मदद मिली, मतलब आपके चैनल के मदद से काफी फार्म को मदद मिली, सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। काफी लोगों ने आपके चैनलों के जरिए बकरे छोड़े हैं यहाँ पे, भरोसे से छोड़े हैं जी भाई। और आप देख रहे हो जैसे जिस तरह से हम फार्म में बकरों को संभाल रहे हैं, जो भी है आपके सामने है, जो नहीं देख सकते उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, ठीक है? एंड मैं भाई कंटिन्यू जो है वो हर 15-20 दिन के गैप में आ रहा हूँ जी जी। तो डे बाय डे जो है वो केज फुल होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई अभी लास्ट वीडियो जब बना था तभी तकरीबन मेरे ख्याल से 16 या 17 बकरे ही थे पलाई पे, राइट? अभी अल्हम्दुलिल्लाह केजेस तो फुल हो गए, जितने केजेस हैं वो तो अभी फुल हो गए, राइट? 25 केजेस है अपने पास और उसके अलावा भी कुछ बकरे हैं जो थोड़े बहुत हमने बाहर भी रखे कुट्टे पे, राइट? तो इंतजार इस बात का है कि अभी ये जो स्पेस है यहाँ का इंशाल्लाह कल से या परसों से यहाँ पे एक काम ऐसा चालू हो जाएगा कि और केजेस हम यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट? ठीक है, छत जो है वो एज इट इज रहेगा, ओके, उसको और बड़ा करेंगे और नीचे से जो है पूरे केजेस बनाएंगे। तो कितने केजेस इधर पे समझो बन जाएंगे? अभी एट प्रेजेंट 15-20 केजेस की जगह है ये, 20 अप्रोक्सीमेट 20 केजेस बनेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह, ठीक है? अभी अपने पास जानवर कितने आ चुके ऑलरेडी पलाई पर? पलाई पर मोहसिन भाई अप्रोक्सीमेट 35 बकरे है अभी पलाई पर, 35 बकरे आ चुके, ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी जो है वो एज इट इज जो है वो स्टॉप कर सकते हो और खस्सी लेकर जो है थोड़े बहुत और बढ़ा सकते हो। नहीं, ये जो फार्म है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से 30-35 बकरों में स्टॉप नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह इरादा ज्यादा का है, तो देखते हैं अभी और मतलब 20-21 केज और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद भी इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। पीछे भी आपने जगह देखी है, आपको पता ही नहीं है फार्म में, राइट? तो जैसे जैसे कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा इंशाल्लाह केजेस और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो अच्छा है कि आप यहाँ पर और एक्सपेंड कर रहे हैं तो अंडुल बकरे भी इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएंगे। एंड मैं व्यूवर्स को जो है वो दिखाना चाहूंगा कि अपना जो है वो ऑलरेडी जो है वो माल आ चुका है यहाँ पर, जैसा आप बोल रहे हो कि कल से काम चालू होने वाला है, तो अपने जो पुराना जो फार्म था उसको पूरा डिसमेंटल करके वही सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर, पुराना सामान है, पुराना मतलब वो नया ही है, राइट? ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो उसमें वो पहले वो माल इस्तेमाल होगा, अगर कम ज्यादा पड़ता है तो इंशाल्लाह लाएंगे। तो उसमें अभी ये नए सेटअप में मैं पूछना चाहूंगा तो कैसा करोगे, मतलब अपना जैसा सीमेंटेड केज है तो वैसा ही बनाओगे कि मतलब अपना नॉर्मल में रहेगा, पूरा फैब्रिकेशन करोगे स्टील में रहेगा? ओके, ये इंशाल्लाह 4x5 के केज बनेंगे, ओके, और 2 फीट ऊपर बढ़ेंगे, राइट? स्लेटेड बना लेंगे, ठीक है, परफेक्ट। तो साफ सफाई के लिए भी जो है काफी आसानी हो जाता है, सही है, परफेक्ट। तो जीशान भाई अभी थोड़ा चलते हुए वॉक करते हुए अपन बताते हैं जी, ये अपना जो है वो 15 केज का था, जैसे नवे व्यूवर्स को पता नहीं है ये 10 केज है, सॉरी ये 10 है और उस तरफ जो है वो 15 है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट जो है वो अपने ये सारे फुल हो चुके, कुछ बकरे अपने यहाँ पर अपन ने रखे ओपन शेड में,
ठीक है। तो इस तरीके से अपने 35 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड थोड़ा एक्सपांशन के लिए अपन जो है वो यहाँ पर अभी जो है वो अपना 20 का जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भाई भी नवे जो जानवर देंगे उनकी पलाई का क्या रहेगा, मतलब कुछ ऑफर में रहेगा कि एज यूजुअल क्या रेट रहेगा उसका, मतलब कॉस्ट क्या रहेगा? नॉर्मली पलाई तो एवरी मंथ के भी 3,000 रुपीज प्लान है। ओके, हाँ तो 3,000 पर मंथ की पलाई पे हम बकरे लेंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो कोई अभी एज सच अपन प्लान वगैरह कुछ दे नहीं रहे क्योंकि अपन रिजल्ट ओरिएंटेड जो है वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवरों में रिजल्ट है मोहसिन भाई, जैसे कि अभी नया जानवर कोई आता है तो फर्स्ट मंथ तो देखो हर जगह पे तकलीफ होती है। अभी जानवर ज्यादातर मेरे पास तो सब राजस्थान से आए हुए हैं। ओके, तो लॉन्ग जर्नी है, बकरा 2-3 दिन सफर करके आता, टूटता मतलब बीमार होता, तो रिकवर होने 15-20 दिन 25 दिन लगते हैं। राइट, तो उसके बाद में बकरा रिकवर होता है। तो पहला मंथ हम काउंट नहीं करते वजन वगैरह उसका, कुछ देखते मतलब कुछ ऐसा हम कस्टमर को कुछ कमिटमेंट नहीं देते। राइट, नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख को हम लोग उसका वजन करते हैं, जो कि पलाई का एक अलग से व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है। ओके, जिसमें मैं हर महीने बकरों की मतलब जो जिनका बकरा है उनका वीडियो बनाता हूँ, मैं वजन का वीडियो बनाता हूँ और वो ग्रुप में डाल देता हूँ, तो उनको वो डिफरेंस समझ में आता है। ओके, जीशान भाई एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसा ऑलमोस्ट जो है वो करीब करीब 2 महीने अपने को होने आ रहे हैं इधर पर जी, तो कुछ ऐसा है, देखो हर फार्म वाला अपना जो है वो अच्छा ही बताता है कि मेरे साथ में जो है वो अच्छी अच्छी चीज हुई है, लेकिन कोई बुरा नहीं बताता है, छुपाते भी है मे भी, लेकिन मैं फ्रेंकली बोलना चाहूंगा आपको कि आपके पास में कुछ बकरे रिटर्न गए हैं यहाँ पर, जैसा कस्टमर ने बकरे दिया है और वापस ले लिया है? डिससेटिस्फेक्शन तो कुछ नहीं है अभी तक के अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मसला खाली एक चीज का है, जैसे कि जो पलाई देना है कस्टमर्स को, मसला खाली एक ही है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है हर जगह, पलाई वक्त पर नहीं आती मोहसिन भाई। राइट, पलाई वक्त पे नहीं आने से क्या होता है, फिर वो फोन करते बैठो मांगते बैठो, उसमें कैसा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम बहुत होता है, मतलब अभी पूरा दिन भी यहाँ पे कम पड़ता है। बकरे अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं, सिर्फ पलाई के नहीं मेरे खुद के पर्सनल बकरे भी है, तो मतलब इन पे ध्यान देते देते ही पूरा दिन खत्म होता, तो अलग से एक टाइम निकाल के उनके पीछे लग नहीं सकते अपन। राइट, तो मतलब जो भी पलाई पे देना चाह रहा है ना बकरे, उनसे मतलब यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपने अपनी पलाई 1 तारीख से 10 तारीख के अंदर अंदर दे दे, ताकि हमको भी आसानी हो। मतलब ये जो कॉस्ट है बकरों का ये छोटा कॉस्ट नहीं, तो मतलब ये बड़े कॉस्टिंग का फार्म है, खर्चा ज्यादा है यहाँ पे। राइट, परफेक्ट, करो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक बहुत फार्म्स की कंप्लेन आती है कि मतलब कस्टमर्स जो है वो टाइम पे पलाई नहीं देते, क्योंकि सारे कॉस्ट वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जो फीड्स लाना होती है और जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, फार्म का रेंट वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो अगर टाइम पे पलाई आई तो कैसा होता है कि ये सारी चीजों से जो है वो आदमी फ्री होता है और जानवरों पे जो है वो ज्यादा फोकस दे पाता है, इंस्टेड ऑफ एक एक को कॉल करके मैसेज करके जो है वो पैसे मांगना पड़े। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर ही नहीं हर जगह पर लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि पलाई जो है वो अपनी टाइम पर दे देवे। ठीक है, जीशान भाई अपन जो जानवर ले रहे हैं अभी मतलब पलाई पर, तो उसका कुछ ऐसा एज सच एग्रीमेंट वगैरह अपन कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ? हाँ कुछ है टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब कुछ चीजें हैं, जैसे कि देखो मेहनत तो हर जानवर के पीछे सेम है। ओके, ऐसा नहीं ये इनका जानवर है इसलिए इनको अलग ट्रीटमेंट है, ये दूसरे का है तो उसको अलग ट्रीटमेंट है, ऐसा कुछ नहीं। राइट, सारे बकरों को एक ही ट्रीटमेंट है, इक्वल ध्यान देते हैं हम लोग। और टर्म्स एंड कंडीशंस की बात ऐसी है, मतलब वो तो कॉमनली एक थिंग है कि खुदा ना खास्ता कुछ हादसा होता है, कुछ बीमारी आती है बकरे को, अल्लाह ना करे मतलब कुछ रीजन से बकरे की मोर्टेलिटी होती है या बकरे के साथ में कुछ भी हादसा है, जैसे सिंग तोड़ना, पैर को मार लगना, तो बस उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले देती है वो पूरी तरह से हम लेते नहीं है, बस उसको क्योर करते हैं हम, मेडिकेशन होता है, हर तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी हमारे ऊपर नहीं रहती। ठीक है, अपन एज अ सच मतलब खाली जो है वो गोट का जो वो केयर टेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लाइफ एंड डेथ की नहीं है, समझो। जैसे बकरों की जो जेनेटिक्स होते हैं, जो ब्लड लाइन से बकरा बिलोंग करता है, ओके, तो बकरा उस तरह से वो रिस्पॉन्स करता है यहाँ पे।
राइट, ऐसा नहीं है वो दिन में 5 किलो खाएगा तो महीने में 5 किलो बढ़ाएगा, जरूरी नहीं है। सही है, ये चीज आपसे है जिशान भाई पूछना चाह रहा था जी कि अभी अगर अपन जानवर पलाई पे दे रहे हो तो आप वेट गेनिंग की क्या एश्योरिटी दे रहे हो, क्या 8 किलो महीने में बढ़ेगा, 10 किलो, 15 किलो, कितना बढ़ा के दोगे? तो वेट गेनिंग का वैसा है जिस तरह से अभी संभाल रहे ना हम, तो बकरे वेट बढ़ा रहे, बकरे वेट बढ़ा रहे, पर 10 में से 1 बकरा मोहसिन भाई निकलता है जो वेट नहीं बढ़ा था, तो ये उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, और बकरे में एक मेंटेलिटी भी होती है, साइकोलॉजिकली भी बकरा अपसेट भी रहता, मतलब कुछ बहुत सारे 2-4 रीजन है उसके, जो कुछ रीजन से बकरे वजन नहीं बढ़ाते। भाई मैंने ओपनली बोलना चाहूंगा ये चीज को, मैंने ऐसे भी जानवर देखा हूँ कि पूरे साल भर अगर वो किसी फार्म पे रखे है ना, तो जो वेट पे दिए 40 पे दिए तो वो 40 पे ही फार्म से जो है वो साल भर के बाद आउट हो जाते हैं। मेरे पास में 1 या 2 बकरे ऐसे होते हैं मुझे। ठीक है, तो जिशान भाई जैसे कि आप बता रहे थे ऑफलाइन भी कि एक अपना जो है वो सीरीज बनाना है, तो आप क्यों ऐसा मतलब प्लान कर रहे हो कि सीरीज ऑफ वीडियोस बनाना है फातिमा गुड फार्म की? मोहसिन भाई, सीरीज का फायदा ये रहेगा कि पूरा कस्टमर के सामने रहेगा जो भी हो रहा है ना यहाँ पे, कस्टमर्स मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे जिनके बकरे है, सबसे अच्छी बात तो उनके लिए है कि ये सीरीज बनेगी। सीरीज क्या बनेगी बताता हूँ, और प्लस जो न्यू व्यूअर्स है, नए जो चैनल पे है जो देख रहे हैं अभी, तो मतलब उनके लिए भी एक प्रोग्राम ऐसा बनेगा कि बकरे की सीरीज जो है हम एक साइमल्टेनियसली कोई भी बकरे आप सिलेक्ट कर लो, ये आप कर लो, मैंने बोलूंगा भाई ये बकरा निकालो वो बकरा निकालो, आप अपनी तरफ से अभी मतलब 3 या 5 बकरे आप निकालो। ओके, आज जो तारीख है आप मतलब आज का एक वजन बताएंगे हम इंशाल्लाह। ओके, जो वेट पे है बकरा उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बकरा एक्टिव ने उसका एक्टिवनेस है, जो भी है बकरा हम बताएंगे। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आज बकरा 50 किलो पे कोई है तो इसका फिर से हम एक 10 दिन के बाद वजन करेंगे। क्यों 10 दिन के बाद में? 10 दिन के बाद में एक एवरेज एक ये देखेंगे कि उसमें बकरे में इम्प्रूवमेंट क्या है। तो अपन महीना भर क्यों नहीं वेट कर सक रहे उसके लिए? महीना बोले तो एक लंबा हो जाएगा, अभी जो व्यूअर्स है वो आज वीडियो देखेंगे फिर 1 महीने के बाद मतलब वेट करेंगे अगला वीडियो, तो उससे बेहतर है कि 10 दिन में एक वीडियो बनाएंगे फिर से। ओके, इंशाल्लाह 1 से 2 किलो का डिफरेंस हम बताएंगे कस्टमर्स। ओके, तो अपन क्या करेंगे महीने की अपनी जो है वो 2-4 वीडियो ऐसी रहेंगी अपने फार्म की, उसमें अपन जो है वो रेंडमली जो भी जानवर आते हैं तो उसकी जो है अपन वो रेंडमली जो है वो व्यूअर्स को ये भी दिखाएंगे कि क्या जो है उसमें गेन हो रहा है और क्या रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो आज की तारीख क्या अपने मोबाइल में दिखा दीजिए ना व्यूअर्स को। आज जो डेट है वो 27th of August है, बताओ 27th August और 7:20 हो रहे हैं। ओके, शाम के, और आज का दिन संडे का है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह फिर आज हम एक कुछ बकरे रेंडमली अभी अपन कुछ बकरे निकाल देते हैं, उसको विंग मशीन पे डालते, आप सिलेक्ट करो, चलो यहाँ पे चलो कहाँ पे चलना चाहेंगे, जा बोलो वहाँ चलेंगे। चलो यहाँ ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90 अपने पास में यहाँ पे जानवर, वहाँ के तो व्यूवर्स ने देख चुके हैं ऑलरेडी। आप सिलेक्ट करो मोहसिन, एक तो इसको ही ले लो, ये कोटा को ले लो, ये खस्सी है ना, खस्सी कोटा है। ठीक है, चलो एक खस्सी को ले लेते, एक ये क्या मालवा है, क्या है ये कोटा क्रॉस मालवा है। कोटा क्रॉस मालवा है, इसको एक ले लेंगे जी। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये ऐसी सिंग भी टूटती है, तो ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है वो सिंग भी टूटती है। ये सिंग यहाँ पे नहीं टूटी मोहसिन भाई, नहीं भाई, ये ट्रैवलिंग में ऑलरेडी, अच्छा, जब बकरा आ रहा था ये सफर में टूटी भाई, लेकिन अपने पास भी टूटेंगी उसकी गारंटी नहीं है, टूट सकती है, टूट सकती है, टेक केयर करते कि सिंग ना तोड़े। हाँ भाई, ऑन कैमरा मैं दिखा रहा हूँ जिशान भाई, ये नहीं बोल रहा है कि ये क्यों दिखा है ना, ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं, ऑलरेडी टूटी हुई है, टूटा हुआ सिंग का बकरा आया, ये ऑलरेडी टूटी हुई है, लेकिन होता है कोई बकरे एग्रेशन में होते ना तो वो भी अपनी सिंग जो है वो तोड़ देते पटक पटक के, और ये सारी चीजें देखो ये ऐसा जो है ना प्रॉब्लम भी आता है इसके लिए, जो पलाई जो है वो फ्रेंड्स टाइम पे दिया जाता है तो क्या होता है कि मेंटेनेंस वगैरह भी जो है वो फार्म वाले कर सकते हैं, राधा देन एक एक को कॉल करके जो है वो पैसे के लिए जो है वो कॉल करे। इसको लेंगे क्या? हाँ ले लो। ये कौन सी नस्ल का है? ये हैदराबादी है। हैदराबाद जी, हैदराबादी करते जीशान भाई ज्यादा गेन फास्ट में स्लो रहते ना हैदराबादी, लेकिन स्लो गेनिंग है, बट एक बार चलो इसको भी लेते अपन, हैदराबादी पे क्या रिजल्ट आता अपन ये भी देखेंगे। ठीक है चलो, तो दो ले लेते,
एक वो मालवा क्रॉस हैदराबादी और एक सोचा, तीन ले लेते आज की वीडियो में, अपन तीन लेते और नेक्स्ट 10-15 दिन के बाद में इनका वजन देखेंगे कितना होता है, एंड उस टाइम पे भी हम जो है कुछ और बकरे निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब तक के जीशान भाई अरेंज कर रहे हैं वेइंग मशीन चालू करने के लिए, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, वहां के पूरे 10 बकरे तो आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ के भी देख लीजिए 10, ये पूरा 15 जो है वो फुल है, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है पूरे जो है वो 10 केज जो है, मतलब टोटल जो है वो 25 केजेस थे, वो सारे के सारे जो है वो फुल है। ये 25 हो गए, ठीक है, यहाँ का एक जानवर भाग गया है, ठीक है, और 10 जानवर वहां पर है ना, थोड़े बहुत उधर वो साथ ही साइड में रखे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बकरियां हैं, ओके, खस्सी बच्चे बकरियां सब जो है उधर पे मिक्स में है, यहाँ पर भी है आप देख सकते हो, तो देखो यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो 35 बच्चे ऑलरेडी जो है वो जीशान भाई के पास में, वहां पे जीशान भाई का पर्सनल जो है वो सेटअप है, ये भाई घास डालते हुए शाम के टाइम पे, ठीक है चलो वेइंग मशीन का चालू होता है, तो अपन जो है वो तीन बकरे जो अपन ने सिलेक्ट करे ना वो बकरे इंशाल्लाह जो है वो दिखाएंगे। फ्रेंड्स ये जीरो है, अपना पहला बकरा उसी में डालो, इसको अंदर छोड़ दो, अपना कोटा खस्सी बकरा, फिफ्टी टू 53 दिख रहा है, हाथ मत लगाओ, 53, ठीक है जीशान भाई 53, दूसरा लेते, फ्रेंड्स ये बकरा अभी अपुन ने इसको तोले हैं 53, नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट 10-15 दिन के बाद में देखेंगे इसका कितना वजन रहता है, दूसरा ले ले बेटा, चलो ये दूसरा हैदराबादी आ रहा है, ओके जीरो, अभी खड़े करो इसको, छोड़ तू ये एक मिनट, 37 पकड़ेंगे अपन इसको, ये हैदराबादी है, ये हैदराबादी, फ्रेंड्स ये बकरा देखो हैदराबादी है, ये अपन ने अभी तोले है 37 पे, और इसको 10-15 दिन से देखेंगे क्या वजन आता है इसका, ठीक है डाल दो, ये अपना तीसरा बकरा है, ये देखो तीसरा है मालवा बराबर, ठीक है चढ़ा उसको, एक मिनट ना, अभी देखो 42 200, ठीक है आ जाओ, ये तीसरा बकरा अपन ने देखे जो कि 42 इसका वजन आ रहा है, कोटा मालवा, ठीक है जीशान भाई जी। तो इंशाल्लाह अपन एक 10-15 दिन के बाद में अपने तीनों बकरों का जो है अपन रिव्यू करेंगे के मतलब इनका वजन कितना बड़ा है, चलेगा 27 है अप्रोक्स, अराउंड 10 तारीख के आसपास अपन एक वीडियो बनाएंगे फिर से इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह आप आ जाओ इंशाल्लाह, 10 तारीख पकड़ के चलो, 27 है, 8 या 10 तारीख को बनेगा 10 दिन के बाद वाला वीडियो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसमें डिफरेंस बताएंगे। तो अभी अपना एक ये बता दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, मेरा नंबर है 7276250
280। एंड अपने पलाई के रेट वापिस एक बार बोल दीजिए। पलाई के चार्जेस अभी 3000 रुपीज फ्लैट है पर मंथ। ओके जी, ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इंशाल्लाह एक 10-15 दिन के बाद में जीशान भाई अपन वापिस से जो ये बकरों का एक काइंड ऑफ वेट चैलेंज जो कि व्यूवर्स देखेंगे इंशाल्लाह, और अपना जो एक्सपेंशन का प्लान है इंशाल्लाह वहाँ पर और जो है 20-25 बकरे जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। ओपन में भी खस्सी के लिए अपने पास में जगह है, तो ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल से जो है वो अपन एक 50 और बकरे ले सकते हैं आराम से। काउंट जरूरी नहीं उसी में, 50 नहीं इंशाल्लाह कितने भी बकरे आने दो। एक्सपेंशन के लिए तो अपन ओपन है, पीछे अपना पूरा गार्डन भी है, तो वहाँ पर भी हो सकता है। बड़ी जगह है जी जी जी, 10-12 घंटे का प्लॉट अभी पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है ओपन इंशाल्लाह, तो उसको उसका भी प्लान है इन फ्यूचर। सही है, तो उसको भी यूटिलाइज करेंगे, चलेगा। ठीक है ठीक है इंशाल्लाह, तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जो भाई भी पलाई पे अपने जानवर देने के लिए इंटरेस्टेड है वो जीशान भाई को जो है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें।